मोहतरम जनाब नजाकत हुसैन साहब डेलास यूएसए, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट अहले सुन्नत .net पर याद फरमाया और आपने बड़ा अहम सवाल किया। आपने सवाल किया क्या नेशरी चकालवी एक ही फिरके के दो नाम हैं या दो अलग अलग फिरके। ये एक ही फिरके के असल में दो नाम हैं। इन दोनों का मसलक और मजहब यही है कि सिर्फ कुरान पर अमल किया जाए और अहादीस मुकद्दसा को छोड़ दिया जाए। हिंदुस्तान इसके सबसे बड़े बानी, आपको सुनकर अफसोस होगा कि सर सैयद अहमद खान थे जो इस फिरके के आबियाई करते थे और पाकिस्तान बनने के बाद तकसीम हिंद के बाद में मिस्टर परवेज जो हैं तो इस्लाम के नाम से एक रिसाला निकाला करते थे जो इसके तर्जुमान। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि नेचरी फिरका है कैसे। आप जानते हैं कि लफ्ज नेचर यानी इस्लाम का तकाजा यह है कि आदमी अपनी नेचर और अपनी तबीयत को ऐसा कर ले जैसा कि दीन चाहता है, जैसे कि कुरान चाहता है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम चाहते। ये नेचरी ये कहते हैं कि मजहब और दीन ऐसा बन जाए जैसा नेचर हो, जिसका तर्जुमा इकबाल कहता है कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हरचंद के वो अपने आप को अहले कुरान कहलाते हैं और कहते हैं साहब हम हदीस का इनकार नहीं करते। मुझे बताइए कि क्या आप अहादीस मुकद्दसा को छोड़कर कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल कर सकते हैं? मुझे बताइए आप नमाज अगर पंच वक्त पढ़ते हैं तो इनकी तादाद आप कहां से लाएंगे कि दोपहर की चार रकात है, फजर की जो है वो जना दो सुन्नत तो दो फर्ज हैं और इसी तरीके से मगरिब की तीन फर्ज है, इसी तरीके से असर की जो है वो चार फर्ज, ये आदाद आप कहां से लाएंगे कुरान मजीद फुरकान हमीद से? इसी तरीके से नमाज में नमाज की शर्तें क्या हैं, नमाज के फराइज क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं, हज कैसे किया जाता, हज के फराइज क्या हैं, हज की शरायत क्या है, हज अगर फासिद हो जाए तो उसके मसाइल क्या, हज किन माना में फासिद होता, हज का इआदा कैसे किया जाए, कौन सा जुर्म हो तो क्या सजा और क्या उस पर जुर्माना। मुझे बताइए कुरान मजीद में क्या अभी तफसील ये मौजूद है? हरगिज नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद, लफ्ज कुरान ही कुरान नहीं बल्कि जमहूर उम्मत का इस पर इजमा है कि कुरान मजीद जो किताबी सूरत वो भी कुरान है और इसकी तफसीर भी कुरान है जो इसके मानवीयत की तरफ ले जाती हो और वो हदीस की सूरत में है। हम हरगिज ये नहीं कहते कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हदीस का मोहताज। हम ये कहते हैं कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने के लिए हदीस के मोहताज हैं। हदीस को अगर छोड़ दिया जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद बिल्कुल भी आप समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा इन दोनों चक्रों से बचिएगा, चाहे वो चकराल भी हों या चाहे वो नेचरी हों। अल्लाह तबारक व तआला इनसे मैं